हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्लीव्स का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन और बहुत आसान तरीके से बन भी जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप स्टिचिंग का शौक़ रखते हो तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर दोस्तों भी मैंने नया नया रील्स बनाना स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स बनाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से आपने हमें YouTube पर इतना प्यार दिया है, हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है, हमें सपोर्ट किया है, आप हमें Instagram पर भी फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये जो स्लीव्स डिज़ाइन है, इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, पहली बात तो ये कि आपको जो स्लीव्स बड़ी ही रखनी पड़ेगी, यानी कोहनी से बड़ी रखनी पड़ेगी। आप कोहनी तक भी रख सकते हो। फिलहाल जो मेरे पास स्लीव्स है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है तैयार, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है। इसकी लंबाई तैयार है फ्रेंड्स, वो है 15 इंच। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको इस डिज़ाइन को सेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक बुकरम। ये देखिए, बुकरम में आपको जैसे प्रकार से हम गले की कटिंग करते हैं, उसी प्रकार से गले की कटिंग करनी है, लेकिन गला होगा बिल्कुल वी। वो किस प्रकार से, ये देखिए, यहाँ से जो दूरी लेनी है आपको, वो लेनी है 9 इंच। ठीक है, इधर से आपको जो दूरी रखनी है वो रखनी है 2.5 इंच। ये देखिए, और इस 2.5 इंच वाले निशान को आपको नीचे ला के मिलाना है, कहाँ पर, यहाँ से 1 इंच ऊपर, इस प्रकार से। अब इसकी दोस्तों मैं कटिंग करूँगा, आप देख सकते हो, एक मैंने वी की तरह, जैसे वी की तरह ही मैंने सेम गले की कटिंग कर ली है। आपको दो काटने ऐसे दोनों बाजू के लिए, और इसको इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बुकरम का, इसको इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। ये देखिए, अब फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम जमाएंगे। किस प्रकार से, आपको लेना होगा एक कपड़ा, जिस प्रकार से हम गला बनाते हैं सेम उसी प्रकार से इसको रखना है। ये देखें, यहाँ से दूरी रखनी है 5 इंच, और जिस प्रकार से गला बनाते हैं उसी प्रकार इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस प्रकार से ये गला मैंने बना लिया है। अब आपको उसको करना क्या है, बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार से इसको पकड़ें, और यहाँ पर लगाना है आपको एक कट। सेम इसी प्रकार से बाजू को बिल्कुल सेंटर में आपको कट लगाना है। बाजू आपको करनी है सीधी, जिस प्रकार से गला बनता है उसी प्रकार से इसको सेंटर में रखते हुए आपको इसको सेंटर में रखना है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए गले की तरह इसको बनाना है। ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ मशीन पर। इस जगह फ्रेंड्स आपको लगाना होगा एक बिल्कुल सेंटर में कट, बाकी और कहीं कट लगाने की जरूरत नहीं है। बस कट लगाते समय ये ध्यान रखें, ये सिलाई आपकी पूरी नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पर लगाएं किनारे की एक सिलाई। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देखते हो गला बना लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आगे से, इसको आपने इस तरह फोल्ड करना है, यानी बाहर की तरफ, ये जो बाजू है बाजू की तरफ ही इसको फोल्ड करना है, सीधा का सीधा इसी प्रकार से, सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो फ्रेंड्स इतना काम होने के बाद अब जरूरत पड़ेगी हमें एक पट्टी की। ये देखिए, ये पट्टी ली है दोस्तों मैंने, इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने लगभग 4 इंच है, और इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो ये देखिए बिल्कुल आपको उसके सामने रखना है, और इससे लगभग 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस प्रकार की आपको दो पट्टियाँ लेनी है, देखिए दो मैंने ले रखी हैं। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसको इस प्रकार से पकड़ें और सीधी एक सिलाई लगानी है, और सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे हम करेंगे सीधा सेफ्टी पिन से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से दोनों जो मैंने स्टेप पट्टियाँ बनाई थी, ये मैंने प्रेस कर ली हैं, और प्रेस करने के बाद आप इनका लुक देख सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रेस करते समय ये जो जॉइंट वाला हिस्सा था ना, जो ये आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और इस प्रकार से। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ये जो दोनों पट्टियाँ बनाई थी बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बटन लगाना है। तो बटन लगाने के लिए क्या करना है, सुई में डालना होगा आपको धागा, बिल्कुल सेंटर से, ये देखिए इस प्रकार से सुई में धागा डालें, और इसको इस प्रकार से सीधा सीधा लेकर जाना है। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे इसको मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा इसको मैंने धागे को यूँ खींचा है, और इसको इस प्रकार से जब आप खींचोगे तो खींचने के बाद दोस्तों इसमें क्या है, एक बटरफ्लाई सा वाला एक छोटा सा लुक आ जाएगा। आप ये देखें,
और दो बार धागे को इस प्रकार से घुमाएं और इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हो जब धागे को खींचते हैं तो इसका एक लुक इस प्रकार से आ जाता है। अब आपको लगाना है यहाँ पर बटन, ये देखिए बटन जरूरी नहीं है आपको सेम कपड़े का ही लगाना है, आप इसमें कोई फैंसी बटन भी लगा सकते हो। मेरे पास बटन बनाने की मशीन थी, मैंने उससे बना लिया इसको, तो इसको लगाना बहुत आसान है। तो दोनों बटन ये देखिए आप इसमें लगा ली इस प्रकार से, एक इधर और एक इधर, इसको बनाने के बाद फिर इसका बाद उसका फाइनल काम है मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बटन मैंने लगा लिए हैं। बटन लगाने के बाद अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया है, ये दो पट्टियाँ जो मैंने बनाई थी इनको बिल्कुल सेंटर में आपको इस प्रकार से रखना है। ये देखिए ये जो मैंने मार्जिन फोल्ड करा था, ये बटन बिल्कुल सेंटर में आपको इस प्रकार से रखना है और ये दूसरे वाली इसके पास रखनी है बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से। और फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, बस आपको इधर सिलाई लगानी है ऐसे 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 इसी प्रकार इधर। और दोस्तों सिलाई लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स ये मैं सेम कपड़े से बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ये जो मैंने पट्टी ली है आप दूसरे कलर की पट्टी भी इसमें यूज़ कर सकते हो और भी अच्छा इसमें लुक आ सकता है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन दोस्तों ये एक डिमांड है एक कस्टमर की, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से अब ये पट्टियाँ जो मैंने बनाई हैं इनको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा था दोनों तरफ से, ये मैंने इसलिए रखा था दोस्तों, एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखते हैं तो उसको हम बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा कम लेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास फिर मार्जिन नहीं बचता, इसलिए थोड़ा कपड़ा अगर एक्स्ट्रा हो तो आप उसको कटिंग करके सेट कर सकते हो। अब इसको लगाने का तरीका बताऊँगा मशीन पर। तो फ्रेंड्स एक तरफ से तो इनको मैंने अटैच कर लिया है, अब इसी प्रकार से आपको इसको दूसरी तरफ भी अटैच कर लेना है, बहुत ही आसान है। ये देखिए इस प्रकार से, अब इस इधर से रखाऊँ आपको मैं इसको अटैच करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर बिल्कुल बराबर रखना है इसको, सेंटर में रखना है, ये चीज़ है जो इसी का ध्यान रखना है, ये जिसका बटन है बिल्कुल सेंटर में ही हो तो ही इसका जो है अच्छा लुक आएगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में रखा है मैंने इसको और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये है इस बाजू का फाइनल लुक, जिस प्रकार से मैंने एक बाजू में इस डिज़ाइन को बनाया है सेम इसी प्रकार से आप दूसरी बाजू में भी बना सकते हो। और बनने के बाद बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन जो है आप देखते हो कितना आसान तरीके से इसको मैंने बनाया है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।